अपने पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है अभी। अरे नाश्ता में, नाश्ता में भी मिलेगा। अच्छा हुआ तुम लोग यही मिल गए। टप्पू कहाँ है? बाबा हम भूल गए, वो एनएसएस के कैंप में गया है। भाई तुम लोग तो बड़े हो गए अभी है ना, सोसाइटी के किसी फंक्शन के लिए तुम लोग के पास टाइम ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं भिड़े अंकल, आप रोज सुबह बादाम खाइए। बादाम क्यों? क्यों भिड़े अंकल, भूल गए नए साल का सब काम किसने किया था? हाँ हाँ तुम लोगों ने किया था लेकिन। भिड़े अंकल लेकिन वेकिन छोड़िए, काम बताइए। अरे 26 जनवरी आ रही है गोड़िया, तो कार्यक्रम के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है? डेकोरेशन के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है? नहीं तो कहते भिड़े अंकल आप हो ना, हमको लगा आप तो सोच ही लेंगे, फिर हम भी सोचेंगे आप भी सोचेंगे, उसमें डबल सोच हो जाएगी ना, फिर तो यही नहीं पता चलेगा ना कि सोचना किसकी सोच पे। गोड़िया काय बोलते, अब तो तुम्हें समझ में आया क्या बोला? नहीं भिड़े भाई, वो गोली कह रहा है तो कुछ सोच कर ही बोला होगा ना। कठिन है। अरे भाई मैं ये सोच रहा था कि 26 जनवरी आ रही है तो ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा, तो डेकोरेशन की चीजें कहाँ से आएगी, कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है? नहीं भिड़े अंकल, अब सोचने का क्या फायदा, अब तो बहुत लेट हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, क्यों फ्रेंड्स? हाँ बाबा अब मुश्किल है। हाँ अब बहुत देर हो गई है भिड़े अंकल, अब जाने दीजिए। अरे क्या जाने दीजिए, क्या बोल रहे हो तुम लोग? हंस क्यों रहे हो तुम लोग अभी? सोनू कम ऑन बाबा, क्या आप भी, हम मजाक कर रहे हैं। सोनू अभी तक कोई तैयारी नहीं हुई है तो प्लीज मजाक वजाक मत करो, मेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं है। सॉरी 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 भिड़े अंकल, जोक सपाट, अगर हम लोग सीरियसली बोले तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ध्वज बंधन के लिए क्या डेकोरेशन करना ये हम लोगों ने ऑलरेडी सोच के रखा है। भिड़े भाई टप्पू सेना है ना, तो चिंता करने की कोई जरूरत है ही नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है सोनू, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। थैंक यू भिड़े अंकल। चलो चलो टप्पू सेना, अभी वक्त बहुत कम है, तैयारी शुरू करो, चलो चलो चलो। हाँ चलो फ्रेंड्स चलो, हम लोग मेरे घर पे आते हैं और सब तैयारी करते हैं। चलो 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 बाय 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 बाय, चलो अब तो बाकी की तैयारी करते हैं। हाँ चलो चलो भिड़े भाई। हाँ राजध्वज के लिए वो लोखंड का बांबू लगाना पड़ेगा। अरे लोखंड का बांबू नहीं, उसको बोलते हैं स्तंभ। हाँ वही लगाना पड़ेगा। वो है कहाँ? वो गार्डन में है, वो कलर करके रखा हुआ है। तो अभी उसको लगाने में काफी टाइम जाएगा और मुझे भी मार्केट भी जाना है। चलो मैं किसी और को बोल देता हूँ। भिड़े भाई आप मार्केट जाओ, तब तक मैं दुकान का काम संभाल कर आता हूँ। ओके ठीक है चलो। उसको बोलू किसको? पोपटलाल। पोपटलाल, हाँ पोपटलाल, हाँ पोपटलाल। क्या हुआ भिड़े, सखाराम को फिर से कुछ हो गया क्या? ये काली जुबान, खबरदार जो आपने मुझे सखाराम का नाम लिया तो। ओके वहां खड़ा है शांति से। हाँ मैं बेकार में इतना भागा भागा है, सखाराम तो यही है। तो तुम्हारा क्या मतलब है, सखाराम को यहाँ नहीं होना चाहिए? अरे नहीं 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 भाई, मैं ऐसा क्यों चाहूंगा, मैं तुम्हारी भावनाओं को अच्छी तरह समझता हूँ भाई, जैसे मेरे लिए मेरा छाता है वैसे तुम्हारे लिए तुम्हारा सखाराम, बिल्कुल तुम्हारे परिवार की सदस्य की तरह। हाँ बराबर है। क्या बराबर है, सब बराबर है, तो फिर फटे हुए ढोल की तरह इतना चिल्ला क्यों रहे? पोपटलाल पोपटलाल। अरे चिल्लाने तो और क्या करूं पोपटलाल, तुम्हें कुछ जिम्मेदारी विम्मेदारी ऐसा कुछ है कि नहीं? खबरदार भिड़े, मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ, समाज के प्रति पत्रकारों की अहम जिम्मेदारी होती है, इस बात को मैं बखूबी जानता हूँ और मैंने हमेशा अपनी जिम्मेदारी निभाई है। मैं समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, अपने सोसाइटी की। गोकुलधाम सोसाइटी का कमेटी मेंबर होने के नाते तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है ना, सोसाइटी का कोई भी काम करने के लिए मैं सदैव तैयार रहता हूँ। शाबाश, तो कल 26 जनवरी है और तुम्हारी मदद की जरूरत है। अब बोलना क्या मदद चाहिए, जो भी काम है फटाफट हो जाएगा 2 मिनट में। क्या है, मैं अभी जरूरी काम से मार्केट जा रहा हूँ और यहाँ पे ध्वज स्तंभ लगाना है और वो स्तंभ गार्डन में रखा हुआ है। हा? स्तंभ क्या हुआ, अभी तो बोल रहे थे कि मैं सदैव तैयार रहता हूँ, फटाफट हो जाएगा काम। वो बराबर है, वो क्या है, पास में एक नया मैरिज ब्यूरो खुला है तो मैं उसका मेंबर बनने जा रहा हूँ, इसीलिए तो इतना तैयार हुआ हूँ, और अभी ये स्तंभ। अरे तो मैरिज ब्यूरो लेट चले जाना पोपटलाल, और वैसे भी आज तक कौन से मैरिज ब्यूरो ने तुम्हारी शादी फिक्स की है? वो भिड़े मेरा मतलब है कि 10 मिनट बाद चले जाना, वो स्तंभ लगाने में 10 मिनट लगेंगे। हाँ ओके थैंक यू, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। अरे अरे सुन सुन सुन,
इस काम की जिम्मेदारी मेरे सर पे कहाँ डाल दी भिड़े ने। ये मुझसे अकेले से नहीं उठेगा, ये कमर हमर लचक गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे, तो किसी को बुलाना पड़ेगा। तो बुलाऊं? अय्यर भाई, अय्यर भाई कब काम आएंगे? वो भी कमिटी मेंबर है, उनको ही बुलाते। अय्यर भाई, ओ अय्यर भाई। अरे इधर नीचे नीचे भाई नीचे। हाँ बोलो, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? आपको जिम्मेदारी विम्मेदारी जैसा कुछ है कि नहीं? हाँ है, लेकिन क्या जिम्मेदारी, क्या है तो जिम्मेदारी? अरे भाई, गोकुलधाम सोसाइटी की कमेटी के सदस्य होने के नाते आपकी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? हाँ है, लेकिन बोलो बात क्या है। अरे भाई नीचे आइए, कल 26 जनवरी है, उसके लिए आपकी थोड़ी मदद की जरूरत। मदद? कैसा मदद? बालकनी में खड़े खड़े मदद करेंगे। अरे भाई नीचे आइए ना, सब बताता हूँ। आगे आता हूँ। टाइम लगा रहे हैं। पपड़लाल बोलो, क्या बात है? ओह अय्यर भाई, सूट वूट में क्या बात है, एकदम स्मार्ट लग रहे हो। अरे थैंक यू पपड़लाल। क्या ये सूट है ना, मैंने तुम्हारा शादी में पहनने के लिए दिलवाया था। थैंक यू। अभी पता नहीं कब मौका मिलेगा, इसलिए आज ही पहन लिया। ओ भाई, पता नहीं कब मौका मिलेगा से क्या मतलब है आपका? वो मौका कभी भी आ सकता है। अरे पोपड़लाल, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। आज मेरा एक मीटिंग है, उसके लिए ये सूट पहना है। तुम्हारा हेल्प करके मैं मीटिंग में चला जाएगा। बोलो क्या हेल्प करना है? वो क्या है, गार्डन में राष्ट्र ध्वज का स्तंभ पड़ा है, उसे हमें लाकर यहाँ फिक्स करना है। सॉरी पोपड़लाल। सॉरी क्यों? पोपड़लाल मैं सोसाइटी का ट्रेजरर है, पर ट्रेजरर का काम पैसों का मैनेजमेंट करना होता है, ये स्तंभ उठाकर लगाना नहीं होता। अच्छा। अय्यर भाई, मैं सोसाइटी की कमेटी का माननीय मेंबर होकर स्तंभ उठाने के लिए तैयार हूँ, पर आप ट्रेजरर होके मना कर रहे हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, सोसाइटी का ट्रेजरर कमेटी मेंबर से बड़ा होता है। पता है, मजाक कर रहा हूँ मैं भी। अब चलिए गार्डन में। चला 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 चला। आइए। मैं भी क्या है ना, तैयार होके निकल ही रहा था मैराथनों के लिए, बिना ने ये काम सौंप दिया। चलो ठीक है, ये देखिए यार भाई, ये है स्तंभ। पर पवड़ा, हम दोनों मिलकर ये स्तंभ कैसे उठाएंगे? अरे बहुत सिंपल है, देखिए आप उस तरफ चले जाइए, मैं इस तरफ चले जाता हूँ, हम दोनों मिलके ऐसे कंधे पर उठा लेंगे, जैसे ही मैं 1 2 3 बोलूँ आप कंधे पे उठा लेंगे, फिर हम लोग वहां जाके उसको फिक्स कर देंगे। ओके ओके, आइए आइए आइए। चले अय्यर भाई, रेडी? हाँ रेडी रेडी। 1 2 3 ये क्या? अरे ये क्यों? अरे भाई मेरा नया कुर्ता खराब हो गया। अरे पूरा सूट खराब हो गया। अरे भाई मुझे मैरिज ब्यूरो जाना था। अरे कभी अर्जेंट मीटिंग में जाना था। पोपड़लाल ये तब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या? मैंने क्या किया? तुमने मेरे को ये स्तंभ उठाने के लिए बुलाया, लेकिन ये नहीं बताया कि इसके ऊपर रिसेंटली पेंट किया हुआ है। अरे भाई मुझे पता था, मुझे पता होता तो मैं अपना ये नया कुर्ता ऐसे खराब करता? ये काम मुझे भिड़ा ना सौंपा था स्तंभ लगाने का। अरे तो फिर आत्माराम को पूछना था। अरे ये भाई मुझे सपना आएगा, मैं कैसे पूछूं आत्माराम को? मैं उसकी जिम्मेदारी है भिड़ा की मुझे बताने की इस पर पेंट लगा है। मैं भिड़ा की आज दुनिया हिला दूंगा। तुम आत्माराम का दुनिया बाद में हिलाना, पहले ये स्तंभ हिलाने का सोचो। मैं एक काम करता हूँ, कपड़ा लेके आता हूँ। अरे अय्यर भाई, अरे ये क्या किया तुमने, फिर लगा दिया इधर। सॉरी 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 अय्यर भाई, मैं ये कह रहा था कि अब कपड़े खराब हुए ही है तो ये स्तंभ को वहाँ रख देते, बाद में हम लोग कपड़े बदल लेंगे और हाथ धो लेंगे। ओके आ जा, अभी खराब हो गया, मेरा भी खराब हुआ। अय्यर भाई ये देखो इधर। ठीक है जल्दी करो, अभी मीटिंग है भाई मेरा, जल्दी करो। चलो रेडी आ जाओ, आने दो। ये क्या किया तुमने, मेरे को झाड़ी में गुदा दिया। सॉरी बाहर आ जाइए। क्या है एक्चुअली, मेरा छाता फंस गया है। अरे छाते को छोड़ो ना, अभी छाते को क्यों छोड़ू मैं? ओके लो छाते को। हाँ एक मिनट रुको आप, इससे
कैसे छाते को छोड़ दूं भाई? एक मिनट रुकना जरा, ऐसे आप पकड़ के रखना, मैं अभी ले लेता हूँ छाते को। अरे 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 उठाओ, आ गया आ गया आ गया आ गया, इसको कलर नहीं लगना चाहिए ना। हाँ हाँ, आइए भाई आ जाइए। उठाओ उठाओ। अरे हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। 1 2 3 चलो चलो आने दो आने दो। अरे 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 चल रहे तुम, मैं पीछे झाड़ी में गुदा दिया। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ अय्यर भाई, आप कहाँ घूम रहे हो? बस बस हो गया हो गया हो गया। क्या कर रहे तुम? एक काम ठीक से नहीं होता यार भाई, उठिए। एकदम 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 सीधा सीधा सीधा, बस हो गया हो गया हो गया, बस हो गया। अरे आने दीजिए। आ गया आ गया। आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो। अरे क्या करे? अरे अरे उतरो। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? कहाँ लेके जा रहे हैं? बाजू से नहीं जा सकते? सॉरी सॉरी, आपको लगा तो नहीं ना? हाँ लगा नहीं तो क्या? लेकिन आपने साइकिल का ब्रेक क्यों नहीं मारे? ब्रेक नहीं है साइकिल में? अरे आप लोग अचानक सामने आ गए, वो ब्रेक मारने का टाइम ही नहीं मिला। ये मेरे पूरे कपड़े खराब कर दिए। सॉरी सॉरी, इधर क्या अभी फ्रेश पैंट लगा हुआ है, पर हमको भी मालूम नहीं था, इसलिए देखो हमारा भी ये कपड़ा खराब हो गया। ये देखो, सॉरी। अरे फिर एक बार सॉरी। वो क्या है ना, कल 26 जनवरी है ना, तो हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो ध्वज स्तंभ को वहाँ लगा रहे थे। उसमें आपको थोड़ा लग गया, सॉरी। मतलब आप पहले अपना ये साइकिल उठा कर चले जाओ, नहीं तो फिर से एक्सीडेंट हो जाएगा। निकल जाए आप, निकल जाए, आराम से। पपड़ लाल, कोई और एक्सीडेंट हो जाए उसके पहले ये स्तंभ हम लोग वहां पर लगा देते हैं। आराम से आराम से आराम से आराम से, धीरे धीरे, आराम से आराम से। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? चाचा जी, हम लोग राष्ट्र ध्वज के लिए स्तंभ लगा रहे हैं। ओ, अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। लो, मैं भी तुम लोग की मदद करता हूँ। आप रहने दीजिए, हम लोग लगा लेंगे। क्यों? तुम लोग को क्या लगता है मैं स्तंभ उठा नहीं सकता? अरे मैं अकेला उठा सकता हूँ, मुझे किसी और की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल चाचा जी, इसमें कोई दोराय नहीं है कि आप ऐसा एक क्या 10 स्तंभ अकेले उठा सकते हैं। हाँ तो, लेकिन क्या है ना, इसमें अभी ये ताजा ताजा पेंट लगा है, तो देखिए इसीलिए हमारे भी ये हाथ और कपड़े खराब हो गए। आप उठाएंगे तो आपके भी कपड़े और हाथ खराब हो जाएंगे। चलो ठीक है। अय्यर भाई, उधर से ऊपर कीजिए, थोड़ा थोड़ा ऊपर कीजिए, और ऊपर कीजिए, और कितना करेगा? अरे 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 पपड़ लाल, अरे क्या कर रहे हैं डिब्बे? तू स्तंभ इसमें डालना है। अरे चाचा जी, आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? अय्यर भाई को बोलिए ना, अय्यर भाई वहाँ से ऊपर नहीं उठाएंगे स्तंभ को तो ये अंदर जाएगा ही नहीं। अरे अय्यर, तू यहाँ से स्तंभ ऊपर ले ना। अब चाचा जी, जितना मेरा हाइट है उतना ही मैं ऊपर ले जा सकता है ना। अरे अय्यर भाई, थोड़ी और कोशिश कीजिए, हो जाएगा। क्या कोशिश कीजिए, अब और कितना ऊपर करेगा? मैं फर्स्ट फ्लोर पर चला जाऊँ मेरे घर पे? अरे घर पे जाने को कौन बोल रहा है? अब आप एक काम कीजिए, वहाँ पीछे वो रेलिंग है ना, वो सफेद रेलिंग, रेलिंग पे चढ़ जाइए, ऊपर हो जाएगा। एक मिनट, चढ़ दो, आराम से आराम से। बस अय्यर भाई, ये स्तंभ वहाँ तक पहुँचेगा नहीं, आप एक काम कीजिए, आप उतर जाइए, मजा नहीं है। उतर जाओ उतर जाओ उतर जाओ। एक मिनट, आप
अरे आप एक काम करो ना, आप ये वाले रेलिंग पे चढ़ जाओ। बाबरलाल अभी मैं किधर भी नहीं चढ़ेगा। अरे नहीं मेरे को नहीं चढ़ना। अरे क्या इधर उधर चढ़ना, मेरे को लग जाएगा यार। पोपट अंकल, अय्यर अंकल, ये क्या कर रहे हो आप लोग? हंस क्या रहा है बेटा? कल 26 जनवरी है, आप लोग होली क्यों खेल रहे हो? ए गोले, अरे हम लोग भी रिपब्लिक डे का ही तैयारी कर रहे हैं, होली नहीं खेल रहे। इसके ऊपर रिसेंटली अभी पैंट लगाए ना, इसलिए हमारे हाथ और ये कपड़े खराब हो गए हैं, समझा? चलना भाई, तो देख क्या रहा, हमारी मदद कर। अच्छा, ताकि मेरा भी टी शर्ट खराब हो। पोपट अंकल, मेरी बॉडी पे मत जाइए, ऐसे मैं बहुत पक्का खिलाड़ी हूँ। चाचा जी देखिए ना। अरे क्या देखिए ना, देखिए ना डिब्बे, तुम लोग दोनों छोड़ो, मैं ही उठा लेता हूँ। नहीं दादाजी, डोंट वरी, पोपट अंकल मैं आप लोगों की मदद करता हूँ, एक मिनट। ऊपर करना, लो ऊपर ऊपर, लो ऊपर, अरे लो, बस बस, हो गया एकदम से, आ गया। देखा पोपट अंकल, कितना आसान था। चलो अब मैं चलता हूँ, कल की बहुत सारी तैयारियां बाकी है। और पोपट अंकल, अय्यर अंकल, पार्टी याद रखना। क्यों पार्टी क्यों? आपका इतना बड़ा काम जो करके दिया मैंने। अरे बेटा तू कभी भी पार्टी ले सकता है, जब भी पार्टी चाहिए बोलना, अय्यर अंकल दे देंगे। बाय पोपट अंकल, बाय अय्यर अंकल, बाय दादाजी। देखा देखा डिब्बे, गोली ने कैसा दिमाग लगाया, रूमाल रख के फिर स्तंभ उठाया। अरे कपड़े तो छोड़, उसके हाथ भी गंदे नहीं हुए। चाचा जी उसको पता था, गोली को हमने बता दिया था, लेकिन हमें बताने वाला कोई नहीं था, भिड़े ने हमें कुछ नहीं बताया था। ये सारी गलती भिड़े की, भिड़े की तो आज खैर नहीं। अय्यर भाई, भिड़े को फोन लगाइए। अरे तो तुम लगाओ, तुम्हारे फोन में बैलेंस नहीं है क्या? अरे भाई बहुत बैलेंस है फोन में, लेकिन मेरे हाथ खराब है। तो पबड़लाल मेरा भी तो हाथ खराब है, मैं कैसे फोन लगाएगा? अरे अय्यर भाई लगाइए ना भाई, कुछ नहीं होता है। अरे क्या है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। अरे ए अय्यड़ी रुक जा, क्या भिड़े को फोन लगाओ, भिड़े को फोन लगाओ, इसमें भिड़े की क्या गलती है? अरे भिड़े बताना भूल गया होगा, उसे लगा होगा कि रंग सूख गया होगा। और भिड़े सेक्रेटरी है तो उसका मतलब क्या, सारी जिम्मेदारी उसकी है, ये रंग सुखाने की जिम्मेदारी भी उसकी है। और स्तंभ उठाने से पहले तुम दोनों को चेक करना चाहिए था ना। लेकिन हम लोग क्यों करते चाचा जी, हमें थोड़ी अंदाजा आएगा कि इस पर अभी ऐसे पेंट लगा है, उसने अगर बता दिया होता तो हमारे कपड़े खराब नहीं होते, हाथ खराब नहीं होते। चल चल अवे, और वैसे भी ये रंग तुम दोनों पे लगा है तो तुम दोनों को तो खुश होना चाहिए। खुश खुश क्यों होना चाहिए? अरे जिस स्तंभ पर राष्ट्र ध्वज लहराने वाला है उसका रंग तुम पे लगा है, अरे ये तो सम्मान की बात है। अगर तुम दोनों सच्चे देशभक्त हो तो तुम्हारा दिल तो राष्ट्र प्रेम से झूम उठना चाहिए। झूम रहा है चाचा जी, बिल्कुल झूम रहा है। देशभक्ति का जज्बा हमेशा बनाए रखना। कल सुबह इसी स्तंभ पर राष्ट्र ध्वज बंधा होगा, हम सब ध्वजारोहण करेंगे और राष्ट्रगीत गाएंगे। बोलो भारत माता की जय। मित्रों जिंदगी में अफरा तफरी नहीं करनी चाहिए, कोई पोपट लाल और अय्यर को समझा। ध्वजारोहण हेतु स्तंभ लगाने की अफरा तफरी में इन लोगों ने स्तंभ पे लगा रंग अपने हाथों और कपड़ों पे लगा दिया। बहरहाल ध्वजारोहण हेतु स्तंभ तो लग गया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि गोकुलधाम में ध्वजारोहण कौन करेगा। वैसे एक बात आपको बता दूं, इस बार बड़ा ही उम्दा विचार है ध्वजारोहण हेतु। क्या है वो उम्दा विचार, आपको पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हालांकि ध्वज कोई भी लहराए, आपके घरों में हंसी लहराएगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.